हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी बादाम की बहुत ही चटपटी एक रेसिपी, बादाम का पकौड़ा। इसके लिए मैंने एक कटोरी ये बादाम लिया है और इसे पानी में भिगो दिया है। पानी में भिगोने के बाद हम इसे छान लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको छान लेंगे कुछ ऐसे, और छान के थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे ताकि पानी ये पूरी तरह से ये इसमें गल जाए। अब हमने हाफ कटोरी हमने बेसन लिया है और इसमें हम लोग डालेंगे मैं डालूंगी ये टर्मेरिक पाउडर, थोड़ी सी टर्मेरिक पाउडर हाफ टी स्पून, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और ये इसमें मैंने चाट मसाला और गरम मसाला दोनों ही ले लिया था, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर इसमें डालूंगी मैं नमक, ये मैंने नमक है, ये डालने के बाद मैं इसे अच्छे से इसे मैश कर लूंगी, अच्छे से इसे मिला लूंगी। ये अच्छे से मिलाने के बाद अब हमारा बादाम का जो पानी जो है वो गल चुका है और अब हम इसमें बादाम को डाल देंगे इस तरह से। और बादाम डालने के बाद फिर हमें इसे अच्छे से इसे मिक्सअप कर लेना है, इस तरह से अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी अच्छे से मिक्सअप कर सकते हैं। ये अच्छे से अब मिक्सअप हो चुका है पूरी तरह से, और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। और उसके बाद फिर उस गैस को हम लोग ऑन करेंगे। गैस को हम ऑन करने के लिए, गैस में आप रिफाइंड डाल के उसे ऑन करने के लिए रहने दीजिए। अब हम लोग इसे देखेंगे, ये देखिए इस तरह का कलर आ रहा है। थोड़ा सा नमक डालने के कारण इसने पानी छोड़ दिया है अच्छे से। अगर आपको ड्राई लगता है ये तो आप इसमें हल्की सी पानी के छींटे डाल सकते हैं। हल्का सा पानी मैं भी इसमें डालूंगी, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा इसका ड्राइनेस चला जाए। इस तरह से मैं इसे, और अब ये पूरी तरह से मिल चुका है। उसके बाद इसका कलर कुछ इस तरह से आएगा। और अब हम इसे डालेंगे कढ़ाई में, हमारा रिफाइंड गर्म हो चुका है इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। और कढ़ाई का ये है, आप आँच बिल्कुल कम ही रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आँच रखने से क्या होगा, मैंने पहले से ही तेल गर्म करने के लिए रख दिया था रिफाइंड, ठीक है। तो मेरा कढ़ाई थोड़ा बड़ा है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, लेकिन इसे थोड़ा कम ही आँच पर इसे पकाना है, क्योंकि ज़्यादा आँच पर अगर हम पकाते हैं तो फिर क्या होगा कि ऊपर से तो बादाम पक जाएंगे लेकिन बाद में बादाम अंदर से कच्चे ही दिखेंगे। और इसे हल्के से हम इसे चलाएंगे, और बीच बीच में आँच को थोड़ा सा हम कम और तेज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आँच को तेज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये जो भी बादाम में लगे हुए बेसन हैं वो टूट जाएंगे। इसीलिए बहुत ही कम आँच पर और धीरे धीरे हमें इसे बनाना है। ये देखिए इसमें हल्का सा कलर आने लगा है इसका, जब पूरी तरह से लाल हो जाए, बहुत ज़्यादा इसे नहीं लाल करना है। ये हो चुके हैं पूरी तरह से, अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे, आराम से इसे निकालेंगे धीरे धीरे करके, और हम सारा निकाल देंगे और जो हमारा दूसरा लॉट है वो भी इसमें डाल देंगे। दूसरा लॉट हम लोग फिर से इसमें डाल देंगे, बस यही कम आँच पर। और ये अब हमारा एक तैयार है बादाम पकौड़ा, बिल्कुल तैयार है और बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही क्रिस्पी बना है। इस तरह से आप देखिए, बहुत ही आवाज़ समझिए, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरा बना है। इसे आप किसी भी टाइट कंटेनर में रखिए और काफ़ी समय से तक खाइए। धन्यवाद।